अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अर्शिद बलोच और आप देख रहे हैं एच यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, वो बलोची में थी मगर ये उर्दू में। आज हम आए गार्डन में, गार्डन ज़ू। इसे ज़ू तो नहीं कहेंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा, मगर देखते हैं आगे क्या दिखता है, आपको दिखाएंगे। और आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक किया करो भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मगर मेरे चैनल पे लाइक नहीं आ रहे आजकल। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। अब मेरे चैनल पे तकरीबन 60% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, वो वीडियो देख रहे हैं। मगर भाई आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, आप लोग की मेहरबानी होगी। यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, काली पिंजरे पड़े हुए, पता नहीं किस तरफ हम आ गए। यहाँ पर कुछ दिखा ही, ये बंदर है, अब इसको देखने हम यहाँ पर आए। सही से दिख ही नहीं रहा है, मगर ये बैठा हुआ इन जानवरों को भी जो है ना कुछ खाने को नहीं मिलता है। अब इस तरफ से दिख रहा है सही से, ये बंदर बना है। क्या गा रहा है वैसे, कुछ भी दे देते हैं बेचारे, खा लेते हैं, कुछ खाने को मिलता तो नहीं इनको। इस तरफ इनको देखने के लिए हमने 100 रुपये खर्चे हैं। हालांकि ये परिंदे और ये जानवर आजकल फालतू हो गए, लोग अपने घरों में रख रहे हैं इन चीज़ों को। इन बेचारों को कुछ खाने को नहीं मिलता। देखो जब लोग आते हैं ना इस तरफ तो उनके तरफ दौड़े चले आते हैं। ये देखिए, ये सोचते होंगे कि इंसान हमें कुछ देंगे, मगर इंसान नहीं, इंसानियत नहीं रही अब इस दुनिया में। इस दुनिया में क्या, बल्कि हमारे यहाँ, हमारे माशरे में। ये देखें, ये टाइगर सोया हुआ, टाइगर भी सोच रहा है मैं कहाँ के फंस गया इन इंसानों के बीच में। बेचारा पता नहीं कितने दिन से भूखा बैठा हुआ है, उसी तरफ ही देख रहा है, मैं देख ही नहीं रहा, नाराज़ होगा हमसे शायद। ये देखे गोरिल्ला, इसको कहते हैं गोरिल्ला, ये तो लटका हुआ है बेचारा, हमें ही देख रहा है। अगर इसको देखने आप लोग आ रहे हो तो मत आओ भाई इतनी बदबू है यहाँ पर, बंदा कड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए, इसका मुंह भी नज़र नहीं आ रहा सही से। फाइनली शेर हमें देखने को मिल गया, मगर शेर भी बेचारा तका हुआ है, न जाने प्यासा होगा, मुंह ऐसे खुला हुआ है उसका, या भूखा होगा। यहाँ पर जानवरों को खाना तो नहीं मिलता है ना, इस वजह से मुंह खुला हुआ है बेचारे का। ये देखें बेचारा आराम कर रहा अपने पिंजरे में, ये भी सोच रहा है यार क्या होगा मेरे साथ, कहाँ जंगल में था अब कहाँ पर आ गया, फंस गया उनके बीच में। अगर जानवर को संभाल नहीं सकते उसे कैद भी मत किया करो भाई। ये बैठा हुआ भी करीब से देखें लाइन को, शेर जंगल का बादशाह, मगर कैद में बेचारा ये बादशाह। एक दूसरी बात, काफ़ी दिनों से मैं सोचता हूँ कि कह दूँ आप लोगों से भाई, कभी अपने आप को शेर मत कहना, क्योंकि शेर एक जानवर है। या किसी को कहते हैं कि यार तू बड़ा बहादुर है, तू शेर है। यार शेर मैं समझता हूँ कि
इंसान अपने आप को शेर मत बोले, क्योंकि ये जानवर है। आप अशरफुल मखलूकात हो। देखिए कछुआ, दुनिया का सुस्त तरीन जानवर ये कछुआ। कितने सारे माशाल्लाह, बहुत सारे हैं, मगर यहाँ पर सफाई सुथराई के ना होने के वजह से कितनी बदबू है यहाँ पर। आप जब आओगे तो आप महसूस करोगे कितनी बदबू है। ये देखे पानी पी रहे हैं, पानियों में घूम रहे हैं। इसको उर्दू में कछुआ कहते हैं और हम बलूची में इसको कहते हैं कसीब। तरीके से गड्ढा खोदते हैं तो समझ लो जब अंडा देने के मूड में। शायद ये फीमेल होगी, इस वजह से इतना बड़ा गड्ढा खोद के रखा हुआ है इसने। जब अंडा देते हैं तो अपने अंडों को छुपा लेते हैं रेत के अंदर। चार ऐसे फव्वारे लगा दिए, चलो भाई काम हो गया, खूबसूरत बन गया गार्डन जू। भाई खूबसूरती इससे नहीं आती है, खूबसूरत होने के लिए जगह को साफ होना पड़ता है। यहाँ पर सफाई सुथराई का तो कोई ख्याल ही नहीं है। बस परिंदे लाके, जानवर लाके पिंजरे में बंद कर दिए और कह दिया भाई गार्डन जू, व्हाट अमेजिंग। ऐसे नहीं होता, इतनी बदबू है यहाँ पर। पता नहीं कितनी मरतबा मैं बोल चुका हूँ अपनी वीडियो में। इस तरफ देखें, ये देखें, ये पानी पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर ठहरा हुआ। अजीब सा मंजर है, अजीब से लोग हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत झूले लगा दिए, बच्चे खेल रहे हैं। ये गार्डन जू भाई, देख लो बहुत प्यारा जगह है। हाँ, मगर आना मत, खासतौर पर फैमिली वाले तो मत ही आना भाई, फैमिली के लायक जगह नहीं है। बस किसी बच्चे को लेके निकल जाओ भाई यहाँ पर दिखाने के लिए। काली पिंजरों को, ये काली पिंजरे बने हुए हैं। अगर इन पिंजरों में एक दो हिरन दिखेंगे वो भी उस तरफ होंगे, काफ़ी दूर होंगे, जो आपके दिखाई भी नहीं देंगे आपको। पता नहीं किस कोने में जाकर बैठे हुए हिरन। ये देखें भाई सफ़ेद हिरन है, या इसको जो है ना कलर किया होगा। जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बेचारा गर्मी के मारे यहाँ पर खड़ा हुआ है। और यहाँ पर कोई पानी भी नहीं दिख रहा जो पी सके। इतना जुल्म है यार यहाँ पर जानवरों पर। शतर मुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। यह वो परिंदा है जो उड़ नहीं सकता बेचारा हमारी तरह। और इसके बराबर में जो है ना हिरन, इसी एक ही जगह में बंद किए हुए हैं। ये चक्करे लगा रहा है बेचारा, शायद भूखा होगा। मगर इनके लिए वहाँ पर एक बंदा कोई काना फेंक रहा है सामने। काफी बड़ा जगह है इनका, इनके लिए बड़ा अच्छा स्पेस बनाया हुआ है, जबरदस्त। आगे और नाव देखने के लिए। तो भाइयों ये था हमारा छोटा सा गार्डन जू का वीडियो, और कुछ दिखाने को नहीं था तो इतना ही कुछ दिखा पाया मैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अभी भी कह रहा हूँ। मिलते हैं किसी ऐसी तरीके से
ऐसे ही वीडियो में। शुक्रिया देखने के लिए, जहाँ भी हो खुश रहो, सलामत रहो, अल्लाह हाफिज़।